नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक बहुत ही मनमोहक कनेक्शन, या यूं कह लें कि किस प्रकार से द्रौपदी ने अर्जुन को केवल तस्वीर में देख करके उस विप्र से अब उनको मिला दिया और पहचान गए कि हाँ आ चुके हैं राज्य में अर्जुन। वहीं अर्जुन ने यह भी बताया अपने भाई से कि अगर हमें अपने आप को छुपा के रखना है इस राज्य में तो सबसे पहले तो हमें अपना चरित्र और अपना क्रोध छुपाना पड़ेगा, या फिर यूं कहें अपनी पावर्स छुपानी पड़ेगी। हाँ। और आगे नए एपिसोड में इधर पांचाल में तैयारियां शुरू होने वाली हैं द्रौपदी के स्वयंवर की, तो आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं द्रौपदी का स्वयंवर जिसकी तैयारियां शुरू होने वाली है। और उनकी माता ने कहा था कि जल्द से जल्द हमें छोड़ना पड़ेगा कांपिल्य। क्या कांपिल्य छोड़ करके ये लोग चले जाएंगे द्रौपदी के स्वयंवर से पहले? चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 99 पार्ट 1। राजकुमार अर्जुन। गोविंद यथार्थ कहते थे, महादेव शिव सदैव स्पष्ट उत्तर देते हैं। स्वयंवर में वो प्रतियोगिता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। स्वयंवर क्षत्रिय राजाओं के लिए है नकुल, हम ब्राह्मणों के देश में हमारी वहां कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं तो माता के आदेश का पालन करते हुए आज रात को ही नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान करना होगा। आप स्वयंवर में अवश्य आएंगे राजकुमार, मुझे विश्वास है। नियति कैसे लेके आती है? बस यही देखना ने कहा था कि नियति को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत चीजें उलझी हुई है ना, ब्राह्मण रूप में है, क्षत्रिय वाला है, अपना स्वभाव भी नहीं प्रकट कर सकते हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे जीतेंगे, इसको देखने लायक होगा। आज ही है स्वयंवर, सुबह हो गई। अच्छा ये स्टेडियम है आर्केडिया। इनके तो मुलाकात जरूर होगी। हस्तिनापुर के युवराज सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। पिछली बार रस्सी में बंधे हुए थे और युवराज लग के लौटे। सावधान, अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। क्या बात। सावधान, गांधार नरेश दो ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज शकुनी पधार रहे हैं। सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ही को देख रहे हैं। हस्तिनापुर के युवराज दुशासन पधार रहे हैं। एक दो राजाओं को तो बाहर का दिखाना चाहिए था यार। भव्य स्वागत है यार। अरे यार राजकुमार हैं। मैं बता तो रहा हूँ क्या जैसे यहाँ पीएम का स्वागत किया जाता है। गाड़ियों के साथ अच्छा जो जो है उसके अस्त्र के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। तो गदाधारी तो ये धनुर्धारी, ये क्या धारी है, तलवार।
यादें ताजा हो जाएंगी भाई। सोच के देखो इतने राजाओं की सेवा भाई, दो तीन दिन पहले या फिर इतना ही सागर शेड्यूल रहा दूर होगा तो 15-20 दिन पहले सारे राजकुमार के ठहर जाते होंगे, तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। हर किसी का अपना एटीट्यूड। हाँ उत्तम व्यवस्था है मामा श्री, और शोभा भी बड़ी अच्छी की हुई है। रेगिस्तान में यदि वसंत आ जाए तो क्या होता है आंद्रा? मृग तृष्णा दिखाई देने लगती। आप पांचाल को भी शत्रु मानते हैं मामाश्री, पर शत्रु भी यदि प्रशंसा के योग्य हो तो ऐसे शत्रु की प्रशंसा करते हैं वीरपुर। आप वीरता को विजयी मानते हैं, मैं विजय को वीरता मानता हूं अंग्रा। फर्क है, शत्रु की प्रशंसा करने की उदारता मुझ में नहीं है। आई एम सॉरी। पर गुरुदेव की मित्रता पांचाल राज से हो चुकी है मामा श्री, अब पांचाल राज हमारा मित्र ही है। शत्रुता सिद्ध ना होने तक जो सबको अपना मित्र माने वो मूर्ख होता है, और मित्रता सिद्ध होने तक जो सबको अपना शत्रु माने वो बुद्धिमान होता है। मेरे बच्चे टेस्टिंग के पहले अप्रूवल नहीं मिलेगा। द्रुपद तो अभी शत्रु ही है हमारा, यदि वो बुद्धिमान होगा और हस्तिनापुर की मित्रता चाहता होगा तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे दुर्योधन से ही करवाएगा। द्रौपदी, गुरु माता केशबंधन की विधि करवाने पधारी। पांचाली बहुत अच्छा है, इतने हल्के ट्यून में इसको बनाया ना, सुनने में अच्छा लगता है। बाल बांधने की विधि क्यों होती है गुरु माता? राजकुमारी, विवाह के बाद स्त्रियां अपने बाल खुले नहीं रखते, केवल जिनके पति का स्वर्गवास हो जाता है वही स्त्रियां बाल मुक्त रखती हैं। इस प्रसाद के तेल से मैं आपके बाल बांधूंगी, जिसमें आपके पति चूड़ामणि पहनाएंगे। प्रार्थना कीजिए गुरु माता कि स्वयंवर में ऐसा व्यक्ति विजेता हो जिसे देखकर स्वयं ही हृदय में आनंद उत्पन्न हो। अवश्य। पड़ा है घर माता, और सुरक्षित भी। पुत्र, हम कांपिल्या से दूर तो है ना? जी माता, बहुत दूर। आप विश्राम कीजिए। दूर चले गए शरण्य की ओर प्रवास करना है। बहुत दिन तक ठीक से विश्राम नहीं मिला, और बहुत दिनों तक ठीक से शायद भोजन भी नहीं मिलेगा। यही चिंता सताती है भाई को। यहाँ से नैमिषारण्य तक कोई बड़ा गांव या नगर नहीं है भ्राताश्री? नहीं भी,
हमें यहीं पास के गांव से ही भिक्षा लेनी होगी। तुम और नकुल माता के साथ रहो, हम तीनों जाकर भिक्षान ले आते। नहीं नहीं, तुम पांचों जाओ तो अधिक शीघ्रता से भिक्षा प्राप्त होगी। परंतु माता, आप यहाँ अकेले? मुझे क्या भय है पुत्र, मैं द्वार बंद कर दूँ। मेरे एक अनुष्ठान का संकल्प है, मैं वो पूर्ण करूँ। अब तुम सब जाओ और शीघ्र ही लौटा। सही में भिक्षा मांगने जा रहे हैं। कितना कष्टकारी रहा होगा जी, देखो। इस दिशा में जाएंगे देश प्राता, उत्तर में तो कांपिल्ले है अर्जुन, उस दिशा में तो जा नहीं सकते। इस दिशा में चलते, अवश्य ही कोई गांव होगा। पता भी नहीं कहां पे कौन सा गांव है भी कि नहीं। उस तरह खाने का रोज अरेंजमेंट तीनों टाइम, किंतु यहां कोई होगा कम से कम 25 लोग देखने गए होंगे तो। हाँ, भीम के साथ तो क्यों जाएंगे? सुना है बहुत ही भव्य संवर रचा है पांचाल राज, और जो भी वहां जाएगा उसे आज स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई थी आज। और प्रजा अपनी राजकुमारी को देखने भी तो जाएगी ना भ्राताश्री। सुना है कि राजकुमारी इतनी सुंदर है कि उनके दर्शन करते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। अर्जुन ने दर्शन कर लिए हैं। तो वहाँ बहुत राजकुमार आए होंगे अपने दुखों का नाश करने की आशा में। तो देखा हमने कि किस प्रकार देवी द्रौपदी ने इतनी बड़ी पहेली को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। और आगे हमने देखा कि पांडवों ने निर्णय लिया है कि वो कपिल नगर से दूर चले जाएंगे। नैमिषारण्य की तरफ जाते हुए उनको एक घर भी मिला है जहां पर माता को अश्वस्थ छोड़ करके वो लोग जा सकते हैं। और अभी पांचों भाई भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल भी चुके हैं। तो दसवां वेव का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है, सारे राजकुमार बैठ गए। अब देखने वाली बात यह है कि स्वयंवर स्टार्ट हो गया है। अर्जुन अभी स्वयंवर के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर से, बहुत दूर है और उस तरफ जा भी नहीं रहे। कैसे होगा मिलन, बड़ी उत्सुकता है मुझे जानने की। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जल्दी लौटेंगे नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।